ये लीजिए बैग। कीजिए दवाई, ये देखिए ये मेरे बच्चे की दवाई है, उसे मुझे देना पड़ेगा तो वो मर जाएगा, मुझे प्लीज जाने दीजिए। घूर क्या रही है? नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, हट। ए, इधर। हाँ, आजा 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 आजा, गुड बॉय, आजा 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 आजा, शाबाश। आह, देख, जब हम गलती करते हैं स्कूल में, तो मैडम क्या करती है? बोल क्या करती है? पनिश करती है। पनिश करती है ना? हाँ। तो यहाँ पे तेरी मैडम ने किया गलती, तो अब हम क्या करेंगे? बंद क्या करेंगे? पनिश करेंगे। पनिश करेंगे ना? चल, मार। ये ऐसा, ऐसा, हाँ, जोर से, चल, मार, 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 मार। मिस कर रहे थे देख, मुझे भी रोना आया था। वो मेरे वाले की बेस्ट मिस है और वो गंदे अंकल ने मुझे उन्हें थप्पड़ मारने के लिए कहा। मैं मिस को कैसे मारता? तो मुझे मिस ने कहा थप्पड़ मारने के लिए। मत 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 मारो, मत 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 मारो, मत मत प्लीज मारो बेटा, प्लीज मारो बेटा, मारो ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। बस के अंदर चल क्या रहा है? आखिर आप हमें स्टोरी कवर क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए, आप बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। हाँ, पीछे पीछे करो, पीड़िया को पीछे रखो। सुनिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा है, मर जाएगा। खतरनाक हो सकता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पीछे ले जाओ, इन्हें पीछे ले जाओ, जल्दी। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। सर, और इंतजार नहीं कर सकते हम, और कर भी क्या सकते हैं? रेड द बस। व्हाट सर, इतना खतरा तो उठा नहीं होगा, मैं तो बच्चों को सबको मार दी। रंजन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर एक भी बच्चे को कुछ हो गया ना, तो कितनी बदनामी होगी पुलिस डिपार्टमेंट की, कितने सवाल उठेंगे हमारे ऊपर। I know sir, लेकिन इतना खतरा तो उठा नहीं होगा। I'm ready for it. सोनू को संभालो। क्या हुआ? टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं क्या? टीवी पर कुछ नहीं दिखा रहे, बल्कि वो पुलिस वाले की बहादुरी दिखा रहे हैं कि किस तरह बम फटने के बाद भी वो बैग लेके निकल गया। और कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्या? नहीं, लगता है मीडिया वाले को वहां जाने से रोक दिया है। काम कर, दो तीन बच्चों को मार के फिर गाड़ी के बाहर। अभी इकट्ठा होती है मीडिया और ये नेता भी। उनकी नजर में एक बच्चे को तो पहले ही मार दिए हैं,
और कुछ करना पड़ेगा तो दो तीन को और मार दे। इनको कुछ करना पड़ेगा, निकाल उसमें से ग्रेनेड निकाल फटाफट। साला हरामी। मेरे पास एंकी है। देखो ये अभी तक कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन ये भी पकड़। सुन सुन ये सुन लो। बहुत हुआ भरत मिलाप, चल उग्रवादी अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर ये कोशिश किसी मासूम बच्चे की चीख के जरिए हो तो वो तरिंदगी है। नील के पांव में गोली लगी थी और ये बिल्कुल साफ था कि अगर उसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर अब वक्त आ गया था कि बच्चों को बचाने के लिए शायद उन्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी थी। सर, हम अब भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। रंजन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त 30 बच्चों की जान खतरे में है। सर, हम तो ये भी नहीं जानते अंदर 30 हैं या सिर्फ 28 बच्चे हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत खून भी निकल रहा था और मुझे लगा कि मैं अपने पापा के पास चला जाऊंगा और बस मुझे अपनी मम्मी के पास जाना था। बस में भी सब लोग बहुत डरे हुए थे। All the best, officer. Sir. हाँ सर, एक आदमी मेरे निशाने पर है। कॉपी। ये तो साला आगे आ रहा है। आने दो, देख लेंगे। हेलो। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। रुक जाओ, उसको आगे नहीं दे। ये पुलिस वाला ये पीछे से आ रहा है।
पुलिस की जाबाजी से उग्रवादियों को पकड़ लिया गया, लेकिन बच्चों की जान बचाते बचाते इंस्पेक्टर अरुण अपनी जान नहीं बचा पाए। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गया, लेकिन जिस सूझबूझ और जाबाजी का परिचय पुलिस ने दिया उसकी तारीफ करनी होगी। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि उन उग्रवादियों का इरादा सभी बच्चों को मार डालने का था, और वो भी मीडिया के सामने, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले। ये तीनों तो पकड़े गए थे और बच्चों की जान बचने की भी खुशी थी, लेकिन पुलिस इस बात से बेखबर थी कि इनके चार साथी अब भी बाहर थे। क्या चाहते हो तुम? कितने आदमी है तेरे साथ? बोल। बाल! सर, बच्चों की बस आ गई। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, खातिरदारी करो उसकी। तुझे मालूम है बेटा, मैं कितना दुखी हो गया था। मुझे लगा कि मैं अपनी प्रिंसेस से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। नहीं बेटा, मैं रो का रहा हूं, मैं तो हंस रहा हूं। मेरी प्रिंसेस जो मेरे साथ है। तो है ना? देखिए, आज सवेरे लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बस को हाईजैक कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में सभी बच्चों को बचा लिया गया है। 2 बच्चों को चोट लगी जिनको कि हॉस्पिटल भेजा, बाकी बच्चे इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर हमारे साथ में हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक होनार सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 2 कांस्टेबल को गोली लगी है। 2 हमलावर मारे गए और 1 इस वक्त हमारे कब्जे में है। आगे जैसे ही हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। आप इन बच्चों के साथ? हाँ जी सर, मैं शिक्षक पंडित जी। ये वीडियो? सर बस कुछ यादें समेट रहा था। सर वैसे इस कम समय के अंदर इन बच्चों के साथ क्या क्या हादसे हो गए सर? वैसे सर उन बदमाशों का क्या हुआ? एक पकड़ा गया है शायद। हम पूछताछ कर रहे हैं, आप इनके साथ में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। पानी। पानी? तुम्हारा बोतल कहाँ है? बस में। बस में? मैं भी लेकर आता हूँ। यार चार चार बैग ये होना चाहिए इसे। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बहुत हीट है ये। हीट है हा? इसका तो बाप भी बताएगा। हा? बोल क्या जानना चाहता है? बच्चों की स्कूल बस को हाईजैक क्यों किया तूने? बोल। नमूना दिखाने के लिए। अभी तो ये सिर्फ एक झलक थी, आगे आगे देखो क्या होगा। Ah!
सारे सिस्टम तक हमारी आवाज पहुंचेगी। उन्हें बदलना होगा और अगर वो नहीं बदले हम बदल देंगे। सिस्टम बदलेगा? ये क्या उसका सिस्टम बदलेगा? दो कौड़ी का इंसान सिस्टम बदलेगा? बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है ये, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। ए, ध्यान रख, देश का सिस्टम बदलेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से 6 उग्रवादी इस शहर में घुसे हैं, 2 को हमने मार गिराया, 1 लॉकअप में है। अब सवाल ये उठता कि बाकी 3 कहाँ हैं? यहाँ से आगे नहीं जा सकते हम, पर इन्हीं कमरों में से कहीं वो है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास उनसे बेहतर हथियार है। ज़्यादा नहीं। यस सर। किधर? क्या पोजीशन में? सर मेरे पीछे 2 हवलदार है जो मुझे कवर कर रहे हैं, और सर 2-3 कैजुअलिटी हुई है, उसमें से एक सिविलियन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सारे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, सब सेफ हैं। ओके सर, सर एक काम कीजिए ना, पेरेंट्स और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए जब तक मैं इनको कवर करता। नहीं श्रीधर, मैं बच्चियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, हो सकता है उनके आदमी पीछे हों। आई एम श्योर अपने साथी को छोड़ाने आए हैं लोग। सर मैं पीछे के रास्ते चेक करता हूँ। ओके टेक केयर, बी केयरफुल सर। उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था। पुलिस अभी पिछले हादसे से संभल ही रही थी कि ये एक और हादसा उनके सामने आ गया। पुलिस स्टेशन में तकरीबन 25 बच्चे थे, कुछ आम लोग और गिनती में बहुत ही कम पुलिस वाले थे। जिस मुंहफड़ तरीके से उस उग्रवादी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक नमूना है, उससे ये साफ हो गया था कि ये लोग बहके हुए हैं, सर फिरे हैं और इन्हें मौत का कोई डर नहीं। सर इंस्पेक्टर खान ही है सर, सर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया है। What? Yes. मेरे साथ 25 बच्चे, उनके पेरेंट्स हैं। प्लीज सर बैकअप जल्दी भेजिए। ठीक है, मैं बैकअप भेजने का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक तुम लोग संभालो। सर मैं उन लोगों को बातों में उलझाए रखता हूँ। सर बैकअप प्लीज जल्दी भेजिए।
यस सर। इधर। कितनी देर उनको रोक सकते हो तुम? बहुत देर तक नहीं सर, एमिनेशन वाले रूम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है सर, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट तक फायर कर सकता हूँ। मैंने बैकअप के लिए बोला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ इंस्पेक्टर। सर इंस्पेक्टर खान सर, बैकअप का क्या हुआ? 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा सर। इतनी देर तक उनको रोकने के लिए हमारे पास एमिनेशन नहीं है। फोर्स निकल चुकी है इंस्पेक्टर। ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर सकते हम, उनका बैकअप कभी भी आता होगा। पर क्या करें, जैसे ही आगे बढ़ते हैं फायरिंग कर देते हैं। तेरा बच्चा है ना अंदर? नहीं वो। तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं कंप्लेन लिखवाने आया था। साले झूठ बोलता है हमसे। हमारे आदमी को छोड़ दो, हम यहाँ खून खराबा करने नहीं आए हैं। क्या गारंटी कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हम यहाँ से एक आदमी को छोड़ रहे हैं। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए। साले चल लिखो अपनी कंप्लेंट। हाँ श्रीधर, श्रीधर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग कैसे ये बात मालूम पड़ी कि वो आदमी इनमें से किसी का बाप था। पर उसने खुद ही बताया होगा। सर सर बैकअप में कितना टाइम है सर? 15 मिनट और लगेंगे इंस्पेक्टर। एक आदमी मर गया ना, अब दहशत बैठेगा इनके दिल में। इसी का हमको फायदा उठाना है। मैं आगे जाऊंगा, एक मेरे दाएं एक मेरे बाएं।
कौन रिया? रिया, रिया, कहाँ है? रिया, रिया, मेरी मेरी रिया कहाँ है? रिया, 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 मेरी बेटी रिया कहाँ है? रिया, मेरी रिया कहाँ है? कौन रिया? बच्चों में रिया, मेरी बेटी रिया। सर एक बच्ची दिख रही है। क्या? मुझसे दूर पिलर के पीछे, के पैर में हैंडीकैप सपोर्ट लगा हुआ है। सुनो, तुम उस तक पहुंच सकते हो? सर सामने से जाना तो बहुत मुश्किल है, मैं पीछे के रास्ते जाने की कोशिश करता हूँ। गुड, डू इट, बट बी केयरफुल। थैंक यू सर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर उसे बचा लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, क्या कहते हैं आप? दरवाजा भी खोले गए, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, बच्चों को जान ले लेंगे आप। सर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। आप परेशान हैं? आपकी रिया को कुछ नहीं हुआ? अब तक उन लोगों को मालूम नहीं कि आपकी रिया बाहर है, अगर मालूम होता उस तक पहुंच जाते। कुछ नहीं बात करने को। कमरा देख रहे हो ना, हमको लगता है जबल वहीं है, इसीलिए हमको वहां जाने से रोक रहे हैं। मैं आगे जाऊंगा, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, संभाल कर। फायरिंग कैसे? आई एम सॉरी सर, सर मैं बच्ची तक पहुंचने वाला था, उससे पहले उनमें से एक ने आकर बच्ची को पकड़ लिया। आई डोंट नो सर, उन्हें कैसे पता चला? अगर उन्हें पहले से पता होता तो लड़की को पहले उठा चुके होते। पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है? जा। बोल। देखो, तुम तो हमारे आदमी को छोड़ नहीं रहे हो, हमारे पास एक बच्ची है, हम उसे छोड़ रहे हैं। 10 तक गिनती गिनेंगे, बच्ची तुम्हारे पास पहुंचने के पहले हमारे आदमी छूट जाए, वरना इसकी जान गई। जा। जा। एक, दो, तीन। सर सर, किसी को बचा लीजिए सर, मेरी बच्ची। चार, पांच, छह। इन लोगों की दरिंदगी देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। एक मासूम बच्ची के नकली पांव का निकाल कर उससे चलने के लिए कहना, ये किसी भी हैवानियत को शर्मिंदा करते हैं। इन उग्रवादियों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही इनमें कोई इंसानियत होती है।
इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है कि इनकी भावनाएं मर चुकी होती हैं। इनके दिल में ना तो किसी के लिए प्यार होता है और ना ही दया की भावना। अगर कुछ होता है तो सिर्फ नफरत और आतंक का जुनून। पुलिस ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी और अब उन्हें इंतजार था और पुलिस फोर्स का। शिदर, देखो किसी भी हाल में उनको ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि हमने उनके साथी को आउट हाउस में छुपा के रखा है। सर, लेकिन वो तो लॉकअप में है ना। हम एक काम करते हैं, उन लोग को उलझा के रखते हैं, उनका ध्यान बच्ची की तरफ रहेगा। तुम एक काम करना, पीछे से जाना आउट हाउस में और उसको मार देना, ठीक है? ओके सर। और हाँ सर, पीछे सब क्लियर है, आप पीछे रास्ते से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। ओके। सुनो मेरी बात सुनो, देखो बच्ची को छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हमारे साथी को जहां भी छुपाया छोड़ो उसे। देखो हमें कुछ मोहलत दो ताकि तुम लोगों का बैकअप आ जाए। दरवाजा खोल साले, खोल दरवाजा, खोल बंदा, तोड़ देंगे। सर आपकी इस बहादुरी का क्या बखान करूं, दुनिया वाले कितना बोलते हैं पुलिस के बारे में, आपने जान बचा ली सर। इधर आ, तुझे क्या लगा तू अपने दोस्तों के यहाँ की सारी खबरें भेजता रहेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा। सर मैं समझा नहीं। सर समझा नहीं, ये क्या है, क्या ये मैसेजेस भेजता था तू? हाँ पर बंद हो, खोल दरवाजा, खोल साले, आज बच के नहीं जाएगा यहां से। अबे खोल। किधर सर, वो किसी भी समय मेरे रूम में घुस सकते हैं, मेरे पास एमिनेशन भी नहीं है। लेकिन हां सर, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं, तब तक आप बच्चों को पीछे रास्ते से निकालिए सर। ओके टेक केयर। देखो पता कहा है हमारा आदमी, साला साजिश करता है हमारे साथ, बोल सच वरना गोली मार दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, पीछे की तरफ से एक रास्ता निकलता है, वहां से हम बाहर निकलेंगे, एक लाइन बना के जाएंगे। मैं आगे जाऊंगा, राइट में कवर करूंगा, हमारे साथ में दो हवलदार होंगे, तुम लेफ्ट से कॉल करो। ओके। और मैडम आप बच्चों को लेकर आगे आएंगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप सब लोग मेरे सिग्नल के इंतजार करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स गो। बोल साले कहाँ है भाव? बोल। साला इस बार अगर झूठ निकला ना, साला काट के दो टुकड़े कर दूंगा। लेट्स गो, चल साले। जल्दी चल, चल नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी चल। लड़की भाग गई, सब साजिश समझ में आ रहा है। इस बार अगर हमारा आदमी नहीं मिला ना साले। बेटा आ जाओ, आओ बेटा। अरे पापा, हट सामने से, हट। चल चल साले, चल साले, देख जल्दी।
नहीं है। चालाकी करता है साला, चालाकी करता है मेरे से। कहाँ है हमारा आदमी? देखो तुम्हारा आदमी मेरे पास में है, मैं लेके चलता हूँ तुमको, लेकिन वादा करो कि बच्चों को जाने दोगे। देखो तुम्हारे एक इंस्पेक्टर ने होशियारी की थी, उसको तो हमने जान से मार दिया, बच्चों को लेके बाहर निकल, बाहर निकल वरना एक एक को जान से मार दूंगा। एक मिनट बाहर आ रहा है क्या हम लोग? एक मिनट देखो मैं बाहर आ गया, मैं तुमको तुम्हारे साथी तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बच्चों को छोड़ देना। ये गन रख दिया मैंने। पहले बच्ची को बाहर भेज और बता हमारा आदमी कहाँ है। तुम्हारा आदमी मेरे पास में है, मैं वादा करता हूँ कि उसको तुमको वापस कर दूंगा, बच्चों को जाने दो। थैंक यू सर। दो पुलिस अंकल की जान चली गई, बहुत सारे घायल हो गए, फिर से बहुत सारे पुलिस अंकल आ गए और सभी बच्चों की जान बच गई। श्रुति, मिस, राहुल अंकल और बाकी सभी पुलिस अंकल बहुत हेल्प किया। वैसे तो मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, पर अब नहीं बन सकता। अगर मेरा पैर नहीं कटता तो मैं पुलिस वाला बनना पसंद करता, और अब नहीं बन सकता। मैं बहादुर तो बन सकता हूँ ना। ये घटना किसी फिल्मी कहानी की तरह थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ना इसमें कोई कट था और ना ही कोई रीटेक। ये एक हकीकत थी और इस हकीकत को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया। तीन बच्चों के अलावा किसी भी बच्चे को कोई चोट तक नहीं पहुंची, और सबसे ज्यादा चोट पहुंची नील को, जिसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई थी, और पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने इन बच्चों के दिलों में दहशत की जगह जांबाजी भर दी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.